नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीटीपीएससी जेई 2024 के सिलेबस के बारे में कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। यह आधारित है एक्सपेक्टेड सिलेबस, जो भी पेट के बाद वैकेंसी आई है उनका सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि जिससे संबंधित वह वैकेंसी है, जिस पोस्ट से, सिलेबस उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आयोग ने जारी किया है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे मैं आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में बता पाऊं और आपको ये जानकारी मिल पाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना और, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम सॉरी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है, ना के बराबर, और सब्जेक्ट वाइज यह टेस्ट सीरीज चलेगा। तो दोस्तों, आप शुरू करते हैं हम लोग कि यूपीटीपीएससी जेई जो सिविल की पोस्ट आई है उसका एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा जो अनुमान है कि आपकी बार नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। कितना? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वह 100 होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वह 100 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, और इसमें क्या जो चांस ज्यादा दिख रहा है वह टेक्निकल का कितना दिख रहा है आपका? टेक्निकल का जो आपका रहेगा वह 65 क्वेश्चन। कितना? 65 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा। अब हम बात करते हैं नॉन टेक का। नॉन टेक का क्या रहेगा? नॉन टेक का आपका रहेगा 35 क्वेश्चन। ठीक है, यह संभावना पूर्ण रूप से बनेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सिलेबस अबकी बार यही रहेगा, क्योंकि अभी देखेंगे कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा, मतलब जून तक देखने को आपको मिल जाएगा, लास्ट जून तक या 20 जून के आसपास जो आपका कार्टोग्राफर मानचित्रकार का ड्राफ्ट बनाने का सिलेबस होगा वह इसी पैटर्न पे होगा और सेम होगा। आप देखिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सिलेबस होने वाला है। ठीक है, अब नॉन टेक में दो पोर्शन आएगा। दो पोर्शन क्या है, क्यों आएगा? एक आएगा 15 नंबर का आपका आएगा कंप्यूटर, ठीक है, और 20 नंबर का यूपीजी के, 20 नंबर का यूपीजी के, और 65 टेक्निकल, 15 कंप्यूटर, 20 यूपीजी के। ये मैं किस भी आप पे बता रहा हूँ कि यूपीजी के और कंप्यूटर कंपलसरी और रहेगा ही, क्योंकि देखिए एक आध वैकेंसी छोड़ दें तो पेट के बाद जितनी भी सारी वैकेंसी हुई है सब में कंप्यूटर कंपलसरी है, सब में 15 15 नंबर कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, कोई हो, वीपीओ हो, जूनियर असिस्टेंट जो अभी हो चुका है 1262 उसमें भी यही था, और लेखपाल में भी कंप्यूटर था, बहुत सारी वैकेंसी है उसमें ये सिलेबस यूपीजी के उसमें मस्ट है, दोनों में, यूपीजी के और कंप्यूटर। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों तो जरूर रहेंगे, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट ये शायद ना रहे सिलेबस में, रीजनिंग ना रहे सिलेबस में, इंग्लिश ना रहे सिलेबस में, हिंदी ना रहे सिलेबस में। ठीक है, बस आपको अब की बार सिलेबस बहुत ही कम हो गया है कंपेरिजन टू 2016-18 जेई की, बहुत ब्रॉड सिलेबस था, उसका आधा सिलेबस समझ लो आप हो जाएगा, क्योंकि नॉन टेक का सिलेबस बहुत बड़ा था। तो अब की बार आपको कंप्यूटर और यूपीजी के और टेक्निकल 65 क्वेश्चन और 15 कंप्यूटर, 20 यूपीजी के। तो दोस्तों, ये रहने वाला है आपका टेक्निकल का सिलेबस, सॉरी जेई सिविल का सिलेबस, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के भी सिलेबस रहेगा, और निगेटिव भी क्या रहेगी? निगेटिव 1/4 रहेगा। कितना? 1/4, मतलब माइनस का 0.25, मतलब चार अगर गलत तो एक सही आपका कट जाएगा। ठीक है, तो और जो ड्यूरेशन रहेगा वह आपका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर का, 2 आवर भी हो सकता है और 1.5 आवर भी हो सकता है। ठीक है, 2 घंटे भी हो सकते हैं और 1.5 घंटे भी हो सकते हैं। मेरा मानना है 1.5 घंटे ही ज्यादा चांस है जो वो होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आप तैयारी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, और इस चैनल से अगर आप यूपीजी के और कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज डेली कराया जाएगा 15 क्वेश्चन का। अगर जिस दिन शेड्यूल रहेगा 3 3 दिन हफ्ते में मैं रखूंगा जीके का, यूपी जीके का, और 3 दिन कंप्यूटर का, मतलब 15 15 क्वेश्चन का ही रहेगा सेट, वो ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि पेपर में यही आना है, तो माइंड मेकअप अभी से आप करेंगे 15 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन का तो वो बेटर रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए आप लोग ये सिलेबस नोट कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें। इसी के साथ मैं यह वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।